ठीक है, हमने इतना पार्ट अनअप कर लिया था, अभी कुछ कुछ पार्ट बचे, उनको मैं एक बार जल्दी से जल्दी कवर करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यूवी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, वैसे मॉडलिंग है यहाँ पे, मैं ऑप्शन मिलता है यहाँ पे यूवी एडिटिंग का, ठीक है, अपने आप यहाँ पे चाहिए ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे कौन से पार्ट को मुझे एडजस्ट करना है और किस पार्ट को मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है, जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये छोटा सा पार्ट है, छोटे से पार्ट को मुझे अनअप करने की नीड है, पहले से अनअप है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पर भी अगर कोई टेक्सचर डालोगे तो टेक्सचर डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई भी काम आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक का साइन यहाँ पे चेकर्स अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, और देन मैंने यहाँ पे क्या कलर चेकर्स कर दिया यहाँ पे। अभी जब ध्यान से देखो तो ये कैसे स्ट्रेच स्ट्रेच से दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे वाइट वाले सब बॉक्स ही हैं, बॉक्स पे हमने स्कल्पिंग किया था, तो बॉक्स को कैसे स्कल्प किया। अभी मैं इसके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूवीज पे गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अनफोल्ड करें, अनफोल्ड में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखो कुछ एरर आ रहा है, कुछ खास नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे अगर इसे अनअप करना है तो मैं अनअप कैसे करूँगा, छोटे छोटे ऑप्शंस को आपको समझना है, ठीक है। मॉडल में बस बॉक्स है तो बॉक्स को कैसे हम लोग ने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑल्ट एच, ठीक है, यहाँ पे गए, क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक में अपने सब अलग अलग आ गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे सीम कैसे बनाना है, सीम को समझना है क्या, सीम लाइक मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्लिक करके मैंने कट कर दिया, शिफ्ट एंड कट, तो ये पार्ट में बस इतना पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट मैं आपको थोड़ा बेसिक्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। एजिस को मैंने यहाँ पे लिया, एजिस मेरे पास यहाँ पे सीम बनाना है, एक मेरे पास ऑटोमेटिक सीम आ रहे हैं, एक मेरे को सीम बनाने का प्रोसेस समझ में। सीम बनाए तो बनाए कैसे, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाना है, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए सीम को मुझे कैसे एडजस्ट करना ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया लाइक सिंपल दबा ऑटोमेटिक किया, तो ऑटोमेटिक अपने आप सीम यहाँ पे आ गया। तो मुझे यहाँ पे इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एजिस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, दिस वन स्विफ्ट एंड मूवेंस यू, ये जोड़ गया यहाँ पे। यूवीज आपको अगर याद होगा, सेल सिलेक्ट करो यहाँ पे, देखो सेल आपके देखो यहाँ पे क्या, ये आपका वर्टेक्स, ये आपका एजिस, ये आपका पूरा पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे ये आपका पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड मूव किया, ठीक है, एजिस पे गए, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मूवेंस यू हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे गए मूवेंस यू कर दिया मैंने यहाँ पे, मेरे को मूवेंस यू कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है, यूवीस पे गए, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड यू किया, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड वी कर दिया, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे मैं आपको इस पर दो तीन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। मूवेंस यू कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट आपके पास, यहाँ पे मूवेंस यू कर दिया मैंने, कहा देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे ले रहा है, ये कॉर्नर वाले पार्ट को डिसलेक्ट करना, मूवेंस यू कर देना, ये आ गया यहाँ पे मूवेंस यू, ये ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एजिस पे गए, कहाँ पर जोड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर अच्छा लगेगा, यहाँ पर अच्छा लगेगा, जहाँ पर अच्छा लगेगा यहाँ पर जोड़ दो मूवेंस यू। एक बेसिक सा प्रोसेस कि अगर मुझे अपने स्टोन को अनरैप करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। दूसरी बात ये देखो ये पार्ट कहाँ दिख रहा है, इस वाले पार्ट को इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे जोड़ दूँ मूवेंस यू, यहाँ से देख के काम करो, देखो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मूवेंस यू कर दिया यहाँ पे, जुड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए ये पूरा पार्ट कवर हो गया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवीज को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ एक पार्ट छूट गया है, यहाँ से देखो कहाँ का पार्ट है मूवेंस यू। जब मैं मूवेंस यू करता तो यहाँ पर मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई ये पार्ट यहाँ रहेगा तो ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, मूविंग शुरू कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। अभी हमने जल्दी में ये कर दिया भाई, मुझे ऐसा अनरैप करना, अनरैप कर दिया मैंने, यू इस पे गए, अनफोल्ड पे गए यू, अनफोल्ड पे गए वी कर दिया। ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं कैसे क्या काम करता हूँ। एक पार्ट आपके यहाँ पर अनफोल्ड ऐसे ही आता है, ठीक है, अनफोल्ड पे काम करने के लिए और ध्यान देना कि जब हम लोग अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है, विंडो में गए सेटिंग प्लगइन मैनेजर, यहाँ पे अनफोल्ड का ऑप्शन हमें ऑन भी करना होता है। जिन लोगों ने ऑन नहीं किया वो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि भाई मेरे पास अनफोल्ड 3D दिख रहा है भाई, ये ऑन है कि नहीं, ठीक है, मान लें मेरे पास ये ऑन नहीं है, अगर मैंने ऑफ किया यहाँ पे तो मेरे पास ये कैसे काम करने वाला है, अनफोल्ड, ये देखो ये आपका ऐसा कुछ काम कर गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसे ऑन किया तो कैसे काम करने वाला है, अनफोल्ड में गए, कुछ जगह पे बहुत प्रॉपर वर्क कर रहा है, कुछ जगह पे देखो एरर दिखा रहे हैं, कुछ जगह पे ऐसे भी वर्क करेगा यहाँ पे, सिर्फ अनफोल्ड अनफोल्ड ये आपका नवर करेगा, ठीक है।
अभी मैंने यहाँ पे क्या लेआउट किया, अभी मुझे यहाँ पे टेक्सचर किस में करना है पहले ये सोचना है क्या। ये मैंने यहाँ पे काम किया, अभी देखो यहाँ पे शेप्स कैसा है, शेप्स है अनरैपिंग मतलब कर दिया हमने, लेकिन अगर मुझे टेक्सचर जब करना पड़ता है, टेक्सचर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ता है क्या, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो सीम हो ना, सीम को अगर मैं ऐसे रख के काम करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे मेनटेन करके रखा है, स्मूथ का डिवीजन मैंने यहाँ पे जीरो करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने मॉडलिंग में ध्यान दिया कि भाई मुझे रॉक बनाना है और मैंने स्मूथ का डिवीजन मैंने मेंटेन करके रखा है, तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल टेस्ट किया यहाँ पे। अभी देखो लो पॉली है मेरे पास यहाँ पे, अरे लो पॉली को अनरैप करना कितना आसान है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सिंपल बॉक्स हो गया मेरे पास। यहाँ देखो मूव एंड सीव, अगर आपको बॉक्स याद हो तो ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, एजिस पे गए, मूव एंड सीव कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया, ये पार्ट आपने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे मूव एंड सीव कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसको यहाँ पे जोड़ना चाहो या इसको यहाँ पे जोड़ना चाहो, कहीं पे जोड़ दो, बॉक्स आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे सेफ टर्न कट किया मैंने, यहाँ पे मूव एंड सीव कर दिया। तो अभी आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने जो मॉडल है आपने कैसे किया, लेआउट लेआउट पे गए, ये आपने कैसे किया। आपने अगर स्मूथ मेंटेन करके रखा है तो आपको यहाँ पे अनरैपिंग में टेंशन नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो इसके बाद आप स्मूथ लगा सकते हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, मेरा स्मूथ लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मॉडलर जो काम करता है वो ऐसे स्मूथ मेंटेन करके काम करेगा, ईजी रहता है अनरैपिंग, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो चीज़ आप देखोगे ना, जैसे आप देखो हमने स्कल्पिंग किया, स्कल्पिंग करने में देखो यहाँ पे इसका लेवल मेंटेन किया है कि नहीं, यहाँ देखो स्मूथ फेसिस है, डिवीजन यहाँ पे जीरो कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन मैंने यहाँ पे किया था, अभी मैं इस शेप के अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी आपको यही ध्यान देना है कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया है तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ऑटोमेटिक किया, सेम चीज़ ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। कैसे आपको जोड़ना है, मूव इन सीव कर दो आप यहाँ पे, देखिएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। मूव इन सीव ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट में कैसे दिख रहा है, मूव इन सीव कर दो आप यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट में अभी मुझे सीम कहाँ रखना है, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मूव इन सीव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सीम आपको कहाँ रखना है, दिख रहा है ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मुझे या तो मैं सामने रखूँगा या यहाँ पे रखूँगा। तो जैसे मुझे रखना है मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके काम करूंगा। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे मूव एंड सीव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इधर से कनेक्टिविटी दिखानी, इधर से करूँगा यहाँ पे, इधर से कनेक्टिविटी दिखानी, देखिए दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, ये पार्ट आपको ऐसे यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप अपने स्मूथ को मेंटेन करो, ठीक है। अरे देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पे जोड़ सकता है, जोड़ दिया यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे जोड़ सकता है। अभी देखो ये पार्ट ये कहीं और का दिख रहा है, शिफ्ट एंड कट किया यहाँ पे, ये पार्ट कहाँ का है, मूव एंड सीव कर दिया। ये रॉक को अनरैप करने का प्रोसेस आपका अलग हो जाता है अगर आप यहाँ पे काम करते हैं। देखो मैंने अनफोल्ड किया, बहुत छोटा हो गया, ये ध्यान देना क्या, मैंने यहाँ पे अनफोल्ड किया बहुत छोटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि भाई विंडो सेटिंग प्लगइन मैनेजर अनफोल्ड यहाँ पे ऑफ है, ऑन करके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर और कुछ और इम्पैक्ट देखेगा यहाँ पे, अनफोल्ड अनफोल्ड। तो ये माइंड में रहना चाहिए, एकदम से बहुत छोटा हो गया तो ये ऑप्शन ऑन नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मूव एंड सीव। तो ये सिंपल बॉक्स ही है, इसलिए आप देखो ये रिलेटेड क्या होगा, आपकी मॉडलिंग से रिलेटेड होगा। आपने मॉडलिंग किया, ठीक है, लेआउट यूज लेआउट कर दिया हमने यहाँ पे, ये काम हो गया मेरे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मुझे सीम यहाँ पे दिखाना है, मैं देखो सीम को शिफ्ट करना मुझे आना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे सीम है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ से भी कट करके दिखा सकता हूँ, देख रहे हैं आप, मैं ऐसे कट करके भी दिखा सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कट करना है, मैं कट करके शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन, ये आपका कलर चेकर्स, ठीक है, जी प्रेस कर दो यहाँ पे, देखो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, देखो अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। दूसरी चीज़ जब आपका काम खत्म हो जाए, एडिट में डिलीट हिस्ट्री करते रहना। अभी एक चीज़ और ध्यान देना है, स्मूथ है तो हिस्ट्री डिलीट मत करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे अनरैप कर दिया, अनलैप करने तो यहाँ पे स्मूथ लगा सकता हूँ क्या यहाँ
अगर मेरे स्मूथ अभी नहीं लगा है तो मैं हिस्ट्री डिलीट कर सकता हूँ। एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, यहाँ स्मूथ लगा दिया है, यहाँ से देखने का स्मूथ लगाया है, डिवीजन को किया मैंने जीरो, अभी इसकी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं स्मूथ लगा सकता हूँ, एक दो, देखो मैं चाहूँ तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ भी लगा सकता हूँ, तो बाद में कर लेंगे वो। इसकी हिस्ट्री है क्या, ये देखो यार, देखो बाद नीचे तक दिखाएंगे। ओके तो ठीक है, चलो अभी इतना मैंने अनैप कर दिया, अभी मैं आपको रिटोपोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, रिटोपोलॉजी कैसे करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।